ये बोट डिप्लॉय का काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है और इसके लंबे होने के दो रीज़न है। फर्स्ट कि इसमें 1000 प्लस कमांड है, और सेकंड जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है मैं उन सब का यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं डॉट मेन्यू ही टैप करता हूँ, तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, इसका रन टाइम देख सकते हैं, 1 घंटे 52 मिनट यानी कि 2 घंटे हो चुके हैं मुझे इस बोट को चेक करते करते कि इन सब कमांड का यूज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले आप पहले पूरा मेन्यू चेक करो कि ऑल मेन्यू, डाउनलोड मेन्यू, फन मेन्यू, एआई मेन्यू। तो फर्स्ट ऑल मेन्यू ही टाइप करते हैं। इतने टाइप पे आप चेक कर सकते हैं कि जो भी बोट का ऑल मेन्यू था वो आ चुका है। तो सबसे पहले ओनर मेन्यू में देखते हैं ऑटो रीड, आप जो भी ऑटो रीड ऑटो वाइव जितना भी है आप यहाँ से ही ऑफ और ऑन उसको कर पाओगे, वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप कमांड चेक करो डॉट पब्लिक, इससे क्या होगा कि अगर बोट हमारा प्राइवेट है तो आप यहाँ से इसको पब्लिक कर पाओगे इजीली, और अगेन अगर डॉट सेल्फ लिखेंगे तो बोट हमारा फिर से प्राइवेट हो जाएगा। देन आगे की कमांड की कुछ बात कर लेते हैं। आगे इन्होंने दिया है डॉट बीसी, इसका क्या है कि ये ब्रॉडकास्ट करेगा, जितने हमारे पास चैट होंगी उनके पास ये पर्सनली एसएमएस सेंड कर देगा ऑटोमेटिक। तो मैंने डॉट बीसी और हाई का एसएमएस टैप किया, तो जितनी मेरे पास चैट थी ये उन सब चैट के पास ऑटोमेटिक हाई का एसएमएस सेंड करेगा। आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो 5 मेरे पास रिसेंटली चैट थी जो एसएमएस सेंड हो चुके हैं। देन अगेन सेट मेन्यू की इसमें कमांड दी है एंड इसमें इसको सेंड कर देता हूँ। तो इसमें 8 प्रकार के पूरे टोटल मेन्यू हैं जो आप इजिली एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, चेंज कर पाएंगे। तो टाइप करते हैं डॉट सेट मेन्यू एंड V5, एग्जाम्पल के मैंने V5 ले लिया और हमारा मेन्यू जो भी था वो चेंज हो चुका है पहले वाले की तरह। तो अगेन मैं मेन्यू आपको शो करवा देता हूँ इसका, तो आप देख सकते हैं ये मेन्यू कितना कूल लग रहा है, जो मतलब मैसेज भी कोई टाइप नहीं हुआ। तो अगर अगेन हमें फिर से वही पुराना मेन्यू चाहिए तो डॉट सेट मेन्यू और B1 इसको टाइप कर देंगे। अगेन और कमांड की बात कर लें तो डॉट ये स्टेटस व्यू के लिए है, आपको ये इतना लिखना पड़ेगा और उसके बाद ऑन आपको लिखना पड़ेगा, या फिर ऑटो रीड या फिर ऑटो बायो अगर आप उनको भी ऑन करना चाहते हो तो आपको फिर से अगेन ये सेम लिखना पड़ेगा। तो अगेन और कमांड आपको मैं इसकी चेक करवा देता हूँ, तो आप कमांड एक करके देख सकते हैं। बाकी ग्रुप मेन्यू काफ़ी बड़ा है एंड डाउनलोड में यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर गूगल, इन सभी वीडियो को आप डाउनलोड इजीली कर पाओगे। बाकी एआई में आप चैट जीपीटी का यूज़ आसानी से कर पाओगे, और इसमें रीमिनी का भी फीचर ऐड है। अब रीमिनी को जो लोग नहीं जानते, मैं आप लोगों को, ये फ़ोटो एडिट करने के काम में आता है, तो मैं आपको एग्जांपल पूरा दिखाता हूँ। फ़ोटो मैंने सेंड किया और इसमें मैं टाइप करता हूँ डॉट रीमिनी, इतना टाइप करने के बाद इसको मैं सेंड कर देता हूँ। अब सेंड में आप दोनों फ़ोटो में डिफरेंट देखना, तो सबसे पहले मैं आपको पुराना वाला फ़ोटो चेक करवा देता हूँ। इसमें अगर मैं इसको जूम करूँगा तो ये एकदम इसका पिक्चर बिल्कुल ही ब्लरी हो जाएगा, देख सकते हैं। और अगेन जो हमारा बॉट ने बना के दिया है, आप इसको जूम करके देखो, देख सकते हैं एकदम क्लीन फोटो है। तो रीमिनी कमांड का ये यूज़ है। देन अगेन अपने फिर से वहीं चलते हैं जहाँ कमांड चेक कर रहे थे। देन फन मेन्यू में आप देख सकते हैं काफ़ी कमांड लिखी पड़ी हैं, बाकी इनका आप एक एक करके यूज कर सकते हो किस कमांड से क्या क्या होता है। अगेन स्क्रॉल करता हूँ मैं नीचे को, बाकी रैंडम फोटो में कमांड दी हैं इन्होंने बहुत सारी, एंड अगेन स्टिकर कमांड है, NIME कमांड है इसमें, और नीचे आपको फोटो मेकर यानी कि टेक्स्ट का फोटो बनाने के लिए भी कमांड दी है बहुत सारी। तो मैं एक कमांड यूज़ कर लेता हूँ, जैसे सेकंड पे लिखा है इन्होंने राइट, और उसके बाद मैं अपना नाम लिख देता हूँ टैग गॉड, तो ये क्या करेगा, ये हमारे ही नाम का एक लोगो बना देगा। बाकी ये फ़ोटो एडिट करने के लिए भी इन्होंने नीचे कमांड दी है, तो देख सकते हैं आप जस्ट एक ही सेकंड में इसने ये हमें फ़ोटो सेंड कर दिया है टैग गॉड नाम से। तो अगेन बाकी की जितनी कमांड है आप सब चेक कर सकते हैं, डाटाबेस की कमांड दी है एंड इसमें बग मेन्यू पूरा दिया है। अब ये कमांड सारी डेंजर हैं जिनका यूज़ मैं वीडियो के लास्ट में करके दिखाऊंगा। बैग मेन्यू में इन्होंने पर्सनल मैसेज का अलग मेन्यू दिया है और ग्रुप का मेन्यू अलग दिया है। बाकी इन्होंने बैन और अनबैन नंबर करने की स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखी है, जो शायद अभी एरर में है।
बाकी अदर मेनू आप फुल चेक कर सकते हैं, जिसमें पिंग या फिर रिपो या TTS की कमांड इजीली आप यूज़ कर पाओगे, या फिर MP3 को MP3 सॉन्ग की एडिटिंग करना वो भी इसमें कर पाओगे। तो इस वीडियो में सिलिकॉन MD व्हाट्सएप बोट को कोई हीरो को पे डिप्लॉय करना सीखेंगे, लेकिन बोट फीचर देख लो उससे पहले, जैसे कि ऑटो स्ट्रेस व्यू, ऑटो रीड चैट है, ऑटो बायो, पब्लिक या प्राइवेट मोड है, और बैक मेनू जो मैं आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुका हूँ, और 1000 से कमांड इसमें ज़्यादा हैं। तो या फिर अदर फीचर की बात करें तो इसमें आप दो कमांड .bc इसका यूज़ कर पाओगे, और पुश कॉन्टैक्ट ये क्या करेगा कि जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं ये उन सबको पर्सनल में मैसेज कर देगा, और ये डेंजर कमांड होने वाली है, और इस कमांड के यूज करके मैं आपको BD के लास्ट में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको दो अकाउंट क्रिएट करने ज़रूरी हैं, पहला है GitHub का, इसकी वीडियो का लिंक जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं, ये वीडियो पहले से ही YouTube पर अपलोड है। सेकंड, आपको हीरोको का अकाउंट बनाना है। अब हीरोको के लिए आप इस वाली वीडियो को देखना, क्योंकि अगर आप इस वाली वीडियो को देखोगे तो आपका अकाउंट बैन नहीं होगा, एंटी बैन अकाउंट वीडियो। और हीरोको पे बोट के लिए क्रेडिट कार्ड ऐड करना पड़ता है, तो आप इस वीडियो को देखना, ये फेसबुक की वीडियो है, इसमें फ्री ट्रिक बताई गई है। तो जितने भी वीडियो हैं इन सब वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सीधे चलते हैं बोट की रिपो पे, आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से पूरा इसका इंटरफेस है, आप इसको पूरा सीन कर सकते हैं नीचे तक क्या क्या इन्होंने लिखा है। बाकी इट्स सिलिकॉन V3 version 3 है इसका बोट का, मल्टी डिवाइस व्हाट्सएप बोट डिप्लॉय बाय सलमान अहमद। देन अगेन में नीचे इन्होंने इंट्रो और फीचर इन्होंने इधर GitHub पे ही सारे लिख दिए हैं, आप सबको रीड कर सकते हैं। बाकी नीचे इंटीलेशन मेथड दिए हैं, तो आपको सबसे टॉप में आना है। टॉप में आपको साइड में राइट साइड में आपको एक स्टार का ऑप्शन शो कर जाएगा, स्टार करना है सबसे पहले इस रिपो को। स्टार के बाद पास में ही फोर्क का ऑप्शन है, फोर्क पे क्लिक करना। फोर्क पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, तो आपको सबसे बॉटम में क्रिएट फोर्क का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना। इतना होने के बाद सबसे पहले आपको अपना नाम ज़रूर चेक कर लेना है GitHub का, आपका ही नाम यहाँ पे ऑलवेज होना चाहिए, जैसे टैग गॉड 143 मेरा नाम लिखा है। देन इंटीलेशन मेथड में चलते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने दिया था फोर्क रिपो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन नीचे इन्होंने दो मेथड दिए हैं, Section ID और Section ID 2, यानी कि दो दो सर्वर से हम Section ID ले सकते हैं, अगर एक सर्वर वर्क नहीं करेगा तो हमें सेकंड सर्वर यूज करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट वाला सर्वर आपको यूज करके दिखाता हूँ, तो Section ID पे हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस होगा, इसमें आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ GitHub भी लिखा है, YouTube लिखा है, या फिर पेयरिंग कोड जितना भी है। तो सबसे पहले आपको पेयरिंग कोड पे क्लिक करना होगा, क्लिक करने के बाद ये हमें इस लिंक पे ले जाएगा, लिंक पे हमें अपना एक नंबर डालना होगा। अब नंबर हमें विद कंट्री कोड डालना है प्लस लगाने के साथ, आप चेक कर सकते हैं इस तरीके, यहाँ पे हमें अपना प्लस भी लगाना है और अपना नंबर भी डालना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, स्प्लिट स्क्रीन में करता हूँ और व्हाट्सअप को मैं साथ में लेता हूँ। कुछ लोग ना नंबर भी नहीं लिख पाएंगे कि कंट्री कोड क्या डालना है, कुछ लोग जीरो लगा देते हैं, तो मैं व्हाट्सअप को लेता हूँ और व्हाट्सअप पे दिखाता हूँ कि आपको लिखना क्या है। तो व्हाट्सअप ओपन किया, सेटिंग में आकर प्रोफाइल में जाकर सबसे आप नीचे बॉटम में चेक करो कि मेरा कंट्री कोड के साथ नंबर लिखना है, लिखा है तो हमें सेम वही लिखना होगा, तो +91 या फिर जो अब मेरा नंबर है वो मैं लिखूँगा। नंबर लिखने के बाद एंटर पे क्लिक करना है, एंटर में क्लिक करने के बाद ये हमें एक पेयरिंग कोड बना कर देगा। अब आपको बॉटम में एक पेयरिंग कोड शो होगा, और जो भी पेयरिंग कोड शो होगा वो लिंक डिवाइस से हमें पेयर कर देंगे, लेकिन कुछ इशू में ऐसे होगा कि पेयरिंग कोड शो ही नहीं कर पाएगा, तो हमें सेकंड मेथड ट्राई करना है। सेकंड मेथड यह है कि हमें दूसरे Section ID पर आना है, इस पर क्लिक करना होगा। अब इस पर सेक्शन लोगे तो आपको इसमें रिप्लेट का जो भी है आपको रिप्लेट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो फोर्क एंड रन पे आपको क्लिक करना है, देन फोर्क रिपो पे क्लिक करना है, रिप्लेट का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, देन आप तभी इससे सेक्शन ले पाओगे। तो आपको साइड में जहाँ नंबर लिया है यहाँ पे हमें क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद जो भी हमारा नंबर था वो हमें यहाँ पे अपना नंबर लिखना होगा, और अगेन उसके बाद सेंड पे क्लिक कर देंगे। सेम मेथड सर्वर फर्स्ट पे था,
आप वहाँ से सेक्शन ले सकते हैं, या फिर फर्स्ट काम नहीं करे तो सेकंड यूज़ करना। तो इसमें हमारा पेयरिंग कोड आ चुका है KZZY, इस तरीके से पूरा ही पेयरिंग मेथड है। देन अगर मैं व्हाट्सएप पे आके व्हाट्सएप पे आता हूँ, 3 डॉट लिंक डिवाइस, देन आपको नीचे ऑप्शन शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमारा सेक्शन पेयरिंग कोड था वो यहाँ पे डाल देंगे KZZY इस तरीके से। देन हमारा बोर्ड जो था वो सक्सेसफुली स्कैन हो चुका है। तो आपको आपके ही नंबर से एक सेक्शन आईडी आई होगी। आप देख सकते हैं ये PDF की तरह जो है creates.json, ये हमारा सेक्शन कोड है, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सीन है वीडियो में। तो अगेन हमें बैक आना है। बैक कहाँ तक आना है, अपने आपको गिटहब का यूजर नेम देखना है। आपको फिर से अपनी बोर्ड की रिपो पर आ जाना है, लेकिन गिटहब का यूजर नेम आपका होना चाहिए। देन आपको एक सेक्शन का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद ऊपर आपको एडिट फाइल का ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अपनी जो फाइल थी वो अपलोड कर देनी है। अपलोड फाइल का ऑप्शन होगा, क्लिक करना। देन हमें अपनी यहाँ पे एक फाइल सिलेक्ट करनी है। चूज योर फाइल पे क्लिक करेंगे, देन फाइल मैनेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब हमें जाना का है व्हाट्सएप मीडिया, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट सेंड, और फिर हमें जो भी हमारी फाइल आई थी वो हमें शो कर जाएगी। अब आपको क्या करना है कि गिटहब में अगर फिर से हमें बोर्ड स्कैन करना होगा तो इस वाले को डिलीट करके फिर अगेन न्यू को हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो ये कम्प्लीटली अपलोड होगी हो गई है। अपलोड के बाद आपको नीचे कॉमिट चेंजेस इस पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली अपना इतना काम भी हो चुका है। तो अगेन मैं स्क्रॉल करता हूँ, इसमें हमने 4 कर लिया है, स्कैन था वो भी कर लिया है, या फिर जो फाइल थी वो भी हमने अपलोड कर दी है। उसके बाद डेप्लॉय में आपको हीरोको का ऑप्शन शो कर जाएगा। तो हीरोको अकाउंट पहले बना लो, उसके बाद डेप्लॉय पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अगर आपके में ये सलमान YT ऑफिशियल इस तरीके से लिखा है तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपका यूज़र नेम यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए हमें करने का होगा, ऊपर टाइप करो और जो एडिट करके इसको जो हाँ सलमान YT ऑफिशियल लिखा है उसको हमें रिप्लेस करना है अपने गिटहब के यूजर नेम से। तो मेरा यूजर नेम था techgod143, इतना मैं डाल चुका हूँ। डालने के बाद इसको सेंड कर देंगे। आपको यहाँ ध्यान के रखना है आपका ही यूजर नेम होना चाहिए, तो अब ये राइट है। अब इसके बाद बाकी जितनी बोर्ड की चीज़ें थी वो फिल कर लेते हैं। ऐप नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में लिखना है सब। तो यहाँ पे मैं ABC या फिर XYZ कुछ भी लिख लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ ABCZYX, इतना लिख लेता हूँ। देखता हूँ ये नाम अवेलेबल है ये नाम। तो इस नाम को सबसे पहले हमें कॉपी करना है, क्योंकि इसी नाम का हमें यूज बाद में वीडियो में होने वाला है। बाकी ऐप ओनर में अगर आप टीम पे बोर्ड अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर टीम पे क्लिक कर लेना, क्योंकि देन नीचे आप सारी चीज़ें ऑटो ब्लॉग या फिर ऑटो स्टेट सीन इन्होंने दिया है, ये सारी सेटिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज करना। अगर आप ऑटो स्टेट सीन नहीं चाहते तो आप यहाँ पे फाल्स लिख सकते हैं। बाकी इन्होंने BIP नंबर दिया है तो मैं इनको नंबर को रिमूव नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट अपना ही नंबर इसमें और ऐड कर लेता हूँ। आपको बीच में कॉमा लगाना है और अपना नंबर ऐड कर लेंगे। बाकी नीचे हमें अपना हीरो का वही नाम डालना है जो ऊपर था, तो मैं अपना वही नाम यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद नीचे आपको हीरोको की API की डालनी है। तो उसके लिए हमें हीरोको की सेटिंग में जाना पड़ेगा, साइड में क्लिक करना और इसको होल्ड करके रखना है। देन आपको ओपन इन न्यू टैब ये ऑप्शन शो कर जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। तो सबसे बॉटम में आपको API की शो हो जाएगी, तो रिवील पर क्लिक करके इस की को कॉपी कर लेंगे। कॉपी के बाद हमें अगेन फिर से पीछे वाली साइड पे आना है और हीरो की में इसको पेस्ट कर देंगे। बाकी मेन्यू का डिज़ाइन आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, B2, B1, B5। पैक नेम आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो, ये बेसिकली स्टिकर का नाम होता है। और प्रीफिक्स यहाँ पे जो आप चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी सूडो में आप चाहते हैं किस नंबर लिखना तो आप यहाँ पे अपना नंबर लिख सकते हैं। बाकी जो नंबर था वह भी रहने देंगे, तब भी कोई इशू नहीं आने वाला। बाकी सूडो नाम दिया है इन्होंने, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ। बाकी नीचे वेलकम मैसेज दिया है, ये क्या है बेसिकली जब ग्रुप में कोई मेंबर ऐड होता है फिर लेफ्ट होता है तो उसके वेलकम के लिए है, तो मैं इसको ट्रू ही रहने देता हूँ। फाइनली डेप्लॉय ऐप इस पर क्लिक करते हैं।
अब क्लिक करने के बाद आपकी कुछ प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों को सबसे पहले टेक गॉड चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो हमेशा बनाता रहता हूँ। और आपको 3 से 4 मिनट का वेट करना है। इतना वेट करने के बाद आपको एक मैनेज ऐप इस तरीके से एक ऑप्शन होगा, क्लिक कर देना। क्लिक के बाद आपको एक कुछ ऑप्शन होंगे, तो आप सेकंड नंबर पे चेक कर सकते हैं रिसोर्सेस, या फिर आपके में ऐसा हो सकता है कि आइकन बनाए सिर्फ, तो रिसोर्सेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। देन आपको एक पेंसिल का आइकन शो हो जाएगा, क्लिक करने के बाद ऑन करने के बाद इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो सबसे ऊपर आपको एक मोर का ऑप्शन होगा, मोर पे फिर ब्लॉक्स पे आपको क्लिक करना है। तो अगेन हमें फिर से वेट करना होगा 30 सेकंड का। बेसिकली एक ही चीज़ है, इसमें हमें बताता है कि बोट में डेप्लॉय होने में कहाँ इशू है। तो वेट करते हैं। तो आपकी भी प्रोसेसिंग कुछ इस तरीके से होगी, तो देख सकते हैं सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है हमारा, और कुछ इस तरीके से मैसेज हमें शो हो जाएंगे। तो सीधे चलते हैं व्हाट्सएप पे। सबसे पहले बोट की पिंक ही चेक करते हैं कि बोट स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो डॉट पिंग टाइप करेंगे और सेंड कर देंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि बोट कितनी स्पीड से चल रहा है, या फिर रन टाइम चेक कर सकते हैं जो 37 सेकंड दिखा रहा है। अगेन डॉट मेन्यू टाइप करते हैं। तो मेन्यू से हमारा जितना भी मेन्यू था वो अगेन आ जाएगा, जो मैं पहले ही वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। अब टाइम है कि कुछ कमांड का यूज करने का फिर अगेन। तो सबसे पहले मैं आपको बग मेन्यू यूज करके दिखाता हूँ। टाइप करेंगे डॉट बग मेन्यू। तो हमारा बग मेन्यू पूरा आ चुका है। इस मेन्यू का क्या यूज है कि आप अपने किसी दोस्त के का व्हाट्सअप क्रैक कर पाओगे इजीली। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ डिले बग, इतना लिख देता हूँ। तो ये हमें बता देगा कि हमें आगे लिखना क्या है इसके। तो एग्जांपल में इन्होंने दिया है कि डॉट डिले बग लिखो, उसके बाद नंबर, इससे वो व्हाट्सअप क्रैक हो जाएगा उस बंदे का। बाकी आप इन सब कमांड का यूज़ कर पाओगे। तो अगेन कुछ ऑनर की कमांड में आते हैं, जिस कमांड की मैं बात कर रहा था कि ग्रुप के सभी मेंबर को ये SMS कर देगा। तो सबसे लास्ट में आपको पुश कॉन्टैक्ट या फिर कॉन्टैक्ट B2, इस तरीके से ये दो कमांड शो कर जाएंगी। अब ये कमांड मैं आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इन कमांड का अगर आप यूज करोगे तो आपका नंबर बैन हो जाएगा। तो टाइप करते हैं डॉट पुश कॉन्टैक्ट और इसको सेंड कर देते हैं। तभी हमसे बोल रहा है कि इसके आगे कोई टेस्ट दो। अब इस कमांड से क्या होता है कि जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं ये सभी मेंबर को SMS करेगा पर्सनल में। अब पक्का 100% मेरा नंबर बैन होने वाला है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे होगा। तो वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में पानी आ गया, गमछा भी खुल गया मेरा, लेंटी ये देखिए गमछा।